कप्तानों के कप्तान एमएस धोनी ने किया कमबैक और पहले मैच में ही एमएस की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने हासिल की एक धमाकेदार जीत। वहीं इनफॉर्म सनराइजर्स हैदराबाद को मिली दूसरी लगातार हार और एकदम से बदल गया आईपीएल पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित, जहां तीसरी जीत हासिल कर सीएसके ने प्लेऑफ की जंग में किया खुद को जिंदा। वहीं हैदराबाद के लिए हुई आगे की राह मुश्किल। तो रोचक रविवार के खत्म होने के बाद किस तरह दिख रही है आईपीएल की अंक तालिका, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। रोचक रविवार के दिन दो बेहतरीन मुकाबले खेले गए, जहां दिन के मुकाबले में केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोचक अंदाज में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपनी सातवीं जीत दर्ज की है और एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में टॉप टू में अपनी जगह बना ली है। वहीं इसके बाद दूसरे मुकाबले में एमएस धोनी की अगुवाई में इस सीजन पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की येलो आर्मी ने केन एंड कंपनी को चारों खाने चित कर दिया है, जहां पहली पारी में गायकवाड़ और कॉनवे की ऐतिहासिक 183 रनों की साझेदारी ने बोर्ड पर 200 रन लगा दिए। वहीं इसके बाद गेंद से मुकेश चौधरी के 4 विकेट और अन्य गेंदबाजों की कंबाइंड एफर्ट के बूते सीएसके ने एसआरएच को 189 रनों पर रोक दिया और मैच सीएसके ने 13 रनों से जीतकर इस सीजन अपने हार का सिलसिला खत्म किया है और अपनी तीसरी जीत हासिल कर ली है। वहीं एसआरएच को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ गया है। अब रोचक रविवार के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो फिलहाल गुजरात टाइटंस 9 मुकाबलों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए लगभग अपना स्थान पक्का कर चुकी है। वहीं दिल्ली को हराने के बाद केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 में से 7 जीत हासिल कर लिया है और 14 अंकों के साथ टॉप टू में अपनी जगह बना ली है और प्लेऑफ के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स भी प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स का नंबर आता है, जिन्होंने 9 में से 6 मैचेस जीते हैं और अब तीसरे नंबर पर खड़ी है। वहीं सीएसके से हार कर एसआरएच को अब 9 मुकाबलों में 4 हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद 5 जीत और 10 अंकों के साथ फिलहाल चौथे पर है, लेकिन प्लेऑफ्स में जाने के लिए एसआरएच को अब 5 में से 3 मुकाबले कम से कम जीतने हैं और उनका फॉर्म अचानक से डीप करते हुए दिखाई दिया है। वहीं इसके बाद आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स तीनों ही टीमों के लिए आगे की राह मुश्किल दिख रही है, जहां आरसीबी 10 में से 5 जीत और 5 हार के बाद 5वें नंबर पर बरकरार है, पर उन्हें आगे जाने के लिए अगले 5 में से 4 मुकाबले कम से कम जीतने होंगे, पर आरसीबी हार की हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 9 मुकाबलों के बाद 4 जीत और 5 हार के बाद 8 अंकों के साथ छठे पायदान पर है, पर डीसी को टॉप 4 में पहुंचने के लिए अगले 5 में से 4 जीत चाहिए होंगे, पर डीसी भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में नाकाम रही है। इसके बाद पंजाब भी 9 मुकाबलों के बाद 4 जीत और 8 अंकों के साथ 7वें पायदान पर बरकरार है, जबकि पिछले साल की फाइनलिस्ट टीमें केकेआर और सीएसके दोनों इस साल भी एक ही कश्ती पर सवार हैं। दोनों ही टीमों ने 9 में से सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और यहां से आगे जाने के लिए उन्हें अपने सभी मैचेस जीतना जरूरी बन गया है। हालांकि बेहतर नेट रन रेट के कारण केकेआर 8वें और चेन्नई 9वें पायदान पर खड़ी है। वहीं 8 मुकाबलों के बाद आखिरकार मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली जीत का सामना कर ही लिया और अंक तालिका में अपना खाता खोलने में कामयाब हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।